नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम तरीके से फैसला लिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो हुआ जिसकी उम्मीद हम सब बीते कई सालों से कर रहे थे कि कोई तो एक्शन होगा, कोई तो फैसला लिया जाएगा, नकेल कसा जाएगा। लेकिन अब नकेल कसना शुरू कर दिया गया है। नकेल ऐसा कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए नोटिस पकड़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बुलडोजर राजनीति पर किस तरीके से बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 2 अक्टूबर तक आप देश के किसी भी कोने में किसी का भी घर मकान नहीं बुलडोजर से बुलडोज कर सकते हैं। लेकिन मजाल है कि भाजपा शासित राज्य सुप्रीम कोर्ट की बातों को सुने, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को माने नहीं। भैया, राजस्थान से खबर आई, असम से खबर आई और कई राज्यों से खबर आई जो भाजपा शासित राज्य थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी गई। अब इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिका चली गई और इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए जो बातें कही है उससे शायद अब भाजपा शासित राज्यों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो बुलडोजर राजनीति पर वो इतराते हैं उन पर सुप्रीम वॉर कैसे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या सुनवाई हुई, क्या क्या बयान दिया गया और किस तरीके से इस पर रोक लगाने के लिए बोला गया है, वो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों इस खबर में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ज़बरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मतलब हंगामा कह सकते दोस्तों, या फिर दलील दी गई जिसको लेकर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या बातें चली और बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पकड़ा दिया गया है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिका दाखिल करते हुए ये मतलब गुहार लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट से आदेश देने को कहा गया कि माय लॉर्ड, प्लीज़ माय लॉर्ड, आप बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाइए। इस तरीके से याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दलीलें दी, याचिका पेश की और कहा कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे जो तमाम बुलडोज़र की राजनीति है, जो बुलडोज़र से घरों को तोड़ा जा रहा है, वो रुक जाए। दरअसल दोस्तों, असम के सोनापुर में अवैध निर्माण पर बुलडोज़र एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से रोक लगा दी। इसके अलावा वहां से लोगों को हटाने पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने आज असम सरकार को नोटिस जारी करके 3 सप्ताह के अंदर जवाब तलब कर दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा से जवाब तलब मांगा गया है कि आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पालन नहीं कर सकते हैं, उनके आदेशों को आप कैसे साइड कर सकते हैं। इस तरीके से 3 हफ्ते के अंदर जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने असम सरकार को नोटिस पकड़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 1 अक्टूबर तक बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगाई थी। इसी बीच असम में एक्शन के लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि असम सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी किया, बीजेपी शासित राज्य को नोटिस जारी हुआ। उच्चतम न्यायालय ने उन 48 लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी जिस पर असम सरकार ने बुलडोज़र एक्शन की शुरुआत की थी। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अवैध निर्माण कर रखा था। इन लोगों ने अपनी अर्जी में कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट की अदालत से किसी के घर पर बुलडोज़र एक्शन 1 अक्टूबर तक रोक लगाई गई है तो फिर ये कार्रवाई क्यों की गई। ऐसा किया जाना अदालत की अवमानना साबित हो रही है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है और तब तक एक्शन पर रोक लगा दी है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी घर, कोई भी मकान नहीं गिरा सकते हैं। अदालत ने इससे पहले भी 17 सितंबर को दिए गए अपने आदेश में दोस्तों कहा था कि कोर्ट की परमिशन के बिना बुलडोज़र एक्शन ना किया जाए। हालांकि तब बेंच ने यह भी कहा था कि सड़कें, रेलवे लाइन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन के लिए ऐसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सोनपुर गुवाहाटी के बाहरी इलाकों में जो ये इलाका आता है दोस्तों,
इसको कामरूप जिले में बताया जा रहा है कि ये तमाम जो घर पर बुलडोजर चला है, इसके अलावा कई स्थानों पर जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को चिन्हित करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी थी। प्रशासन का कहना है कि ये आदिवासी क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण करके घर बनाया गया है। वहीं इसके खिलाफ सोनापुर के लोगों ने अर्जी दाखिल करते हुए वकील आदिल अहमद ने कहा कि उनके घरों पर पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया था, उन्हें अचानक अवैध निर्माण बताकर उनके घरों को गिराना शुरू कर दिया, बुलडोजर भेज दिया गया। इन लोगों का कहना है कि हमारे पास जो है इस इलाके की पावर ऑफ अटर्नी है, इसलिए हमारे पास निर्माण करने का अधिकार है। तो ऐसी बातें जो है वो की गई। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की बातों का अवमानना किया गया, अवहेलना किया गया है, जिस पर असम सरकार ने ऐसे एक्शन लिए हैं, ऐसे फैसले लिए हैं। वैसे असम सरकार के बारे में क्या बात करूं दोस्तों, उनके बारे में जितनी बातें करूं उतना कम है। वो सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं हेमंत बिस्वा सरमा वो सही कर रहे हैं। अब देखिए ना, उनका कल का ही बयान देखिए किस तरीके से वो क्या क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपनी बातों को बड़ा करते हुए खुद की वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, और वीडियो शेयर करके कह रहे हैं कि हमने 600 मदरसा गिराया है, 100 और गिराने वालों, मतलब 700 कर दूंगा। तो ये सब बातें वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि उनके नज़र में मदरसा में पढ़ने वाले लोगों और जो लोग हैं वो पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि औरंगजेब हैं और ना जाने क्या क्या नाम ये हमेशा लेते रहते हैं। इनके पास कोई काम नहीं है, ये अपने आप को बीजेपी में सबसे ज़्यादा ऊंचे पद पर पाने के लिए इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं, इस बात का ना कोई मतलब ना कोई मोल, लेकिन फिर भी ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, इन्होंने खुद ही वीडियो पोस्ट किया और बीजेपी फॉर हरियाणा को टैग करके लिखा कि देश में वादा खिलाफी का सबसे बड़ा उदाहरण राहुल गांधी है। खटाखट योजना के तहत कहते हैं कि 8000 देंगे और मैनिफेस्टो 2000 का वादा करते हैं। हरियाणा में 200,000 नौकरियां और उनका वादा करते हुए खर्ची का जो है समाधान नहीं निकालना, इस तरीके की बातें हेमंत बिस्वा सरमा के ज़रिए कही गई। वहीं इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी हाँ, ये भी कहा अपने शानो शौकत में वीडियो शेयर करते हुए कि असम में कांग्रेसियों ने पूछा कि आपने 600 मदरसे क्यों बंद किए। मैंने कहा कि मैं अभी आँख ही बंद करूँगा, भारत को डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं। देश में जो बाबर घूम रहे हैं उन्हें बाहर करना होगा, इस तरीके की बातें वो करते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो 600 गिराया है और आगे 700 गिराने वाला हूँ, मतलब 700 का आंकड़ा जो है वो पार करने वाला हूँ। इस तरीके की बातें एक राज्य के मुख्यमंत्री होकर कहा जा रहा है दोस्तों, तो आप समझिए कि इस राज्य के मुख्यमंत्री के अंदर एक अल्पसंख्यकों के प्रति क्या सोच है, किस तरीके की ये राजनीति कर रहे हैं। और इनकी राजनीति पर भाजपा के आला दफ्तरों के आला नेताओं के ज़रिए, बीजेपी में बैठे लोग जो नेता हैं उनके ज़रिए कोई रोक टोक नहीं। कमाल की बात है ना कि इतना कुछ होने के बावजूद भी सरकार अपनी पूरी हाथ जो है इस तरीके से बांध कर रखी हुई है, ऐसे लोगों को खुला छोड़ रखा है, मुख्यमंत्री का पद दे रखा है, जो अक्सर विवादित बयान और ना जाने क्या क्या बयान देकर अपनी राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि कैसे ये खुल्लम खुल्ला मदरसा को गिराने की बात कर रहे हैं। अगर यही कोई बात मुस्लिम नेता या कोई भी एक्स वाई जेड कर रहा होता तो अभी उन पर फौरन कोई ना कोई कार्रवाई करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया होता, लेकिन मजाल है कि ऐसे लोगों पर, इन लोगों पर भाजपा की तरफ से कोई नकेल कसा जा रहा, कोई बातें कही जा रही हो। इनफैक्ट मोदी जी इन सब बातों को सुन भी रहे हैं क्या? मोदी जी हेमंत बिस्वा सरमा को फॉलो नहीं कर रहे हैं? वैसे तो उनके वीडियो कई बार शेयर करते रहते हैं। ये जो वीडियो कह रहे हैं कि ऐसे कर दिया राहुल, कांग्रेस फलाना ढिमकाना, उनको तो मैंने कहा है और भी मदरसा तोड़ा जाएगा, मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आता दोस्तों, ऐसी राजनीति जहाँ पर सिर्फ तोड़ फोड़ की बात चल रही है, किसी का घर तोड़ दिया, किसी के पढ़ने की जगह तोड़ दी, किसी का इबादत का तोड़ दिया, किसी का पूजा स्थल तोड़ दिया, मतलब समझ से परे है। ऐसी राजनीति करने से अच्छा है कि आप राजनीति ना करें तो बेहतर है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।